बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको मज़ेदार सी पीनट बर्फी बनाना बताती हूँ। वैसे भी हल्की हल्की अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये मैंने यहाँ पर एक प्याली पीनट्स ले लिए हैं, थोड़े से यहाँ पर मज़ीद ज़्यादा अच्छे फ्लेवर के लिए थोड़े से मैंने काजू भी ले लिए हैं। ये मेरे पास मिल्क पाउडर है और ये मेरे पास गुड़ है जो कि मैंने पिघला लिया है। तो ये था कि अगर इसको मैं अभी पिघलाती तो टाइम लग जाता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इस वजह से मैंने इसको पिघला लिया है। बस गुड़ रखी है, इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पिघलाया और कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पर मेरे पास असली घी है और ये मेरे पास इलायची है। तो सबसे पहले हम ये काजू और पीनट्स को है जो मूँगफली है इसको ब्लेंडर में डाल के पीस लेते हैं। इसके बाद मैं आपको आगे का स्टेप बताती हूँ। तो और ये जो काजू है इसे मैंने पीस लिया है और मैंने थोड़ी थोड़ी से बिल्कुल हल्के हल्के से थोड़े से चंक्स भी रखे हैं, मतलब छोटे टुकड़े। अगर आप चाहें तो बिल्कुल कम्प्लीटली पीस लीजिएगा, वरना अगर छोटे टुकड़े बर्फी में मुंह में आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ये रखे हैं। अच्छा, ये जो गुड़ का है पानी, ये मैं इसको इसमें डाल दूँगी। ये इसमें से हल्का हल्का सा इसमें उबाल आ गया है। अब ये है कि हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे काजू और जो ये पीनट का हमने पीसा था। देखिए, मैंने हल्के हल्के से इसमें चंक्स भी रखे हुए हैं टुकड़े, ताकि ये मुंह में आए जब हम इसे खाएं तो इस तरह से अच्छा लगता है। इसे मिक्स कीजिए गुड़ के साथ, आप चाहें तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा इसमें ये हम डाल देंगे, पूरा ही डाल दिया मैंने इसमें। वापस इसे मिक्स कीजिए, लिया इसके साथ। अब इसमें ये जो है मिल्क पाउडर है, दो चम्मच जितना ये शामिल कर देंगे। आप चाहें तो यही के लिक्विड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके मर्जी के ऊपर है आप जो भी। मैं यही के इसमें थोड़ा मिल्क पाउडर यूज़ कर, इसके साथ ही मैं इसमें एक चम्मच भर के असली घी डालूंगी, थोड़ा सा और इसमें शामिल कर दें। करने के बाद इसे दोबारा हम घी और ये मिल्क पाउडर को इसके साथ अच्छे से भूनेंगे। तकरीबन ये हमारी मिठाई बन गई है। अब इस स्टेज पे ये जो इलायची का पाउडर है ये भी हम इसमें साथ शामिल कर देंगे। ये डालने के बाद इसे मिक्स करके अब इस हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम जमाएंगे। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। देखिए, मैंने एक ट्रे इसमें लेके इसमें इस तरह से बटर पेपर डाल दिया है। ये हम अपनी सारी पीनट की बर्फी जो है इसमें डाल के इसको इसमें सेट कर लेते हैं। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये मिठाई है और सेट हो गई है। अब इसे निकालते हैं और इसे पीसेस करते हैं, इसको बोर्ड पे रख के इसे निकालें, इसके पीसेस कर लेते हैं हम इस तरह से। इसके पीसेस कर लें, जितने भी आपको साइज़ के पीसेस करने हैं। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीनट बर्फी बिल्कुल रेडी है, बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार बनी है। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम भी, इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी, इसे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। और इस रेसिपी की इन्ग्रीडियंट्स भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी, तो ज़रूर फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।